सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों, माता पिताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब आपकी स्थिति ये हो जाती है कि आपके हृदय से एक टीस भरी आवाज़ निकलती है, भारी दिल से आंखें डबडबाने लगती हैं कि चलो जी, बच्चे जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहें, हमारा जीवन तो निकल गया है, अब हमें क्या करना है। और आपकी स्थिति ये हो जाए कि बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं। कई जगह होते बच्चे बोलते भी नहीं है लेकिन सुनते भी नहीं है। स्थिति ये हो जाए कि आप में से या हस्बैंड वाइफ में से एक या आप दोनों अपने बच्चों के पास सही ढंग से रह भी नहीं पाते, चाहे कोई भी कारण, बहू से ना बने, बेटे से ना बने, या जो भी कुछ हो, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या हो, आपकी क्या है, या फिर बच्चे आपके पास आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं आपके पास, ठीक है ना, या उनमें से एक नहीं आता, खाली बेटा बेटा आता है, बहू नहीं आती है, ऐसे वगैरह बहुत सारी बात है, या उनके आपसी सामंजस्य हमेशा बिगड़ते रहते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें, या पैसे को लेके हमेशा खिंचाव बना रहता है, या आपके सामने क्या कहते हैं बहन भाई, भाई भाई, जितने भी मतलब परिवार में एक दूसरे पर मुकदमा कर जाते हैं, या आपके घर के अंदर ये स्थिति बन जाती है कि आपका पति चला गया और बच्चों ने दावे ठोक दिए प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, या जो भी समझ लीजिए। मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी दुविधाएं वहां पर तब आपको याद आती है कि मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाने में, और आप कहते भी होंगे मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए त्याग कर दिया, ऐसे तो फिल्मों में भी सुनते होंगे, ऐसे बहुत किस्से हर एक घर में लगभग, मैंने इतना त्याग करा, मैंने इतना तुम्हारे लिए सब कुछ करा, गलत सही भी करा, तब भी तुम्हारे लिए करा, तुम्हारे पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी, देश विदेश अच्छा कॉलेज सारी चीज, बहुत खुशी की बात है। आपने केवल यही तो, एक रोबोट की तरह काम करा ना आपने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, अच्छा खाना देना, अच्छा पिलाना, मतलब क्या खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, मकान, सब सुविधायुक्त सारी चीज़ें अच्छे से अच्छा हर माँ बाप करता अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, संसारिकता का व्यवहारिक ज्ञान देने में, मजबूती देने में आप जीरो रहे, रिश्तों की अहमियत बताने का तो आप भूल ही गए, तो फिर तो बच्चा यही करेगा ना जो आपने उसको सिखाया, बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना नाम करो, बस वो इसी चीज में लगा, वो कैरियर और धन और पद, बस धन और पद इसी की शोभा है, और वो आपके भी सारी चीजों पे दिमाग लगाए बैठा है, या फिर बिल्कुल ही आपसे कट ऑफ हो चुका है, या फिर उसको परवाह ही नहीं है, वो आपके साथ रह रहा है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, वो एक अजीब किस्म का हो चुका है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, तेल लगाने के बाद उसको इतना मतलब कि बस मैं घर में आके सो गया, रोटी खा गया और अपना फिर निकल गया, चाहे वो कमा रहा हो, चाहे नहीं कमा रहा हो, चाहे वो इसी तरह पैसे आपके वेस्ट कर रहा हो, कुछ आपकी नज़र में जो भी कुछ हो, लेकिन उससे आपको रत्ती भर का भी लाभ नहीं है, बल्कि आपको कई जगह ले जाते हुए भी उसको बड़ा आपको झेप सी महसूस होती है कि पता नहीं कब क्या बोल दे, या कुछ ये इस ढंग का रहता है, इसकी तो स्वभाव ही अजीब सा है, मतलब सामाजिकता के अंदर सही ढंग से रच बस नहीं पा रहा। मैंने बताया ना, जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन आपका दिल जानता है, आपका दिल जानता है कि बच्चे ने केवल बस अब अपनी मनमर्जी करनी है हर चीज़ के अंदर, आपका केवल छाती जलती रहती है, दिल बैठा रहता है, एक अज्ञात भय बना रहता है, और बस चुपचाप टुकड़ 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 देखते रहते हो और सोचते रहते हो, होगा क्या, कुछ नहीं ना, क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला, ये पैसा ये कोठी क्या काम आ रही है आपके, सब आपको सूना सूना लगता है,